प्रोफाइल के सेगमेंट पे आप आ जाओगे सबसे पहले, जहां पे आप देखोगे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स देना है, जनरल इन्फॉर्मेशन देना है और वेरीफाई करनी है अपनी इनकम को। तो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा, जिसमें आप तीन तरीके से केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को वैलिडेट कर पाओगे। सबसे पहले है अपना एड्रेस प्रूफ यानी आधार कार्ड के थ्रू देना पड़ेगा, दूसरा पैन कार्ड की फोटो अपलोड करनी है, तीसरा सेल्फी देनी है। आइए तीनों चीज कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले आधार ई केवाईसी कंप्लीट के लिए आधार ई केवाईसी पे जाना है। इसके लिए इंश्योर रखें इस बात का कि आपका आधार कार्ड नंबर मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए ताकि ओटीपी वेरिफिकेशन किया जा सके। इसके बाद बॉक्स पे क्लिक करके कंटिन्यू पे आपको जाना है और 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर आपको डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। तो जो आधार कार्ड जिस मोबाइल नंबर से लिंक होगा उसको ओटीपी वेरिफिकेशन होगा, और वो चीज कंप्लीट करने के बाद जो अगला स्टेप है वो है आपको अपना पैन कार्ड का फ्रंट पेज यानी फ्रंट जो साइड है उसकी आपको इमेजेस अपलोड करनी पड़ेंगी। वो चीज करने के साथ आपको अपनी सेल्फी यहाँ पे देनी है, ठीक है। तो वेलकम दोस्तों, लोन पाओ यूट्यूब चैनल में स्वागत है आप लोगों का। इस वीडियो में आप देखने वाले हो एक ऐसे लोन एप्लीकेशन से हम लोन लेंगे जो इंस्टेंटली आपको लोन तो देगा ही, साथ ही में काफी लंबे टाइम से वर्किंग है, और सोशल मीडिया पे भी आपको जो है कहीं ना कहीं इस एप्लीकेशन का जिक्र जरूर मिला होगा, क्योंकि इस एप्लीकेशन से इतने ज्यादा लोगों ने लोन लिया हुआ है कि कहीं ना कहीं लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो ही गया है। तो इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे और बहुत डिटेल में जाकर, क्योंकि कई बार लोगों ने ये भी हमसे कहा हुआ है कि इस लोन एप्लीकेशन सबको लोन तो दे देती है, लेकिन कई बार लोग जो है यहाँ से सही तरीके से लोन ले नहीं पाते। कहने का मतलब यह है कि वो लोन के लिए अप्लाई करते और किसी वजह से उनका लोन अप्रूव नहीं हो पाता, जिसका सबसे बड़ा रीजन एक ये हो सकता है कि वो सही तरीके से सेगमेंट को फिल ही ना कर पा रहे हो। कौन सा सेगमेंट? जो सेक्शन होते हैं जिसमें हर चीज आपको डिटेल्स बाय डिटेल्स फिलअप करने पड़ती है, इसके बिहाफ पे आपको लोन मिलता है। इन्हीं के बारे में बात करेंगे और इसी वे में आपको चीजें सारी समझ में आएगी कि किस तरीके से इस इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप से आप लोग बड़ी ही आसानी से लोन ले सकते हैं। अब अमाउंट की बात करें या बाकी चीजों की बात करें, वो आपको वीडियो को अंत तक देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। सबसे पहले हम उस लोन ऐप से आपको लोन लेके दिखा देते हैं। लोन अप्लाई करने के बाद उसको सीधा जब आप लोग अपने बैंक खाते में ले पाओगे, देन इसके बाद हम बात करेंगे कि उस एप्लीकेशन को अपने फोन में आप लोगों को इंस्टॉल करना कैसे, ताकि आपको पहले क्लियर रहे एप्लीकेशन से ने लोन कैसे लिया, उसके बाद उस एप्लीकेशन को अपने फोन में आप पाओगे कैसे। जिस एप्लीकेशन की बात कर रहे हो आपके सामने ओपन हो चुकी है। एप्लीकेशन के खुलने के साथ में यहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी लैंग्वेज को चूज करके आगे बढ़ना होता है। देन इसके बाद देना होगा आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट इसके अंदर है तो लॉग इन करना होगा, और ऑलरेडी अकाउंट नहीं है तो साइन अप करना पड़ेगा, और जो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन के नाम से भी जानते हो टिक बॉक्स पे क्लिक करके कंटिन्यू पे आपको जाना है। इसके बाद आपकी प्रोफाइल पे फेच करेगा। इसके बाद आपको जो है इंपॉर्टेंट परमिशन जो है वो नीचे आपको जो है बॉक्स पे क्लिक करके आई अग्री पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। इसके बाद कंटिन्यू पे जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी के सेक्शन में मिलेगा ईमेल एड्रेस का, जहां पे आपको अपना गूगल अकाउंट से लॉगिन करना पड़ेगा, या लॉगिन या साइन अप जो भी कहना चाहो। तो ये चीज करने के बाद सबसे पहला काम यह है कि आपको अपना पैन कार्ड डिटेल्स देना पड़ेगा, जिसके बिहाफ पे आप लोगों के क्रेडिट एलिजिबिलिटी या कहा जाए लोन ऑफर्स को यहाँ पे फेच किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको अपना पैन कार्ड नंबर देना है, यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक करना है। इसके बाद हो सकता है कि आपको अपनी इनकम टाइप को भी बताना पड़े कि आप सैलरीड हो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो ये चीज मैंने एडवांस में आपको बता दी। इसके बाद यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल ऑप्शन दिखाना शुरू कर देगा, जिसमें से आपको सिंपली ऑथराइज करके कंटिन्यू पे जाना, और यहाँ पे कुछ इस तरीके का सेगमेंट आएगा जहाँ पे एलिजिबिलिटी है, केवाईसी कंप्लीट करना है, प्रोफाइल एंड रेफरेंस और बाकी डिटेल्स जाके हमें हमारा लोन मिल जाएगा। तो इस केस में सबसे पहले आप तीन टाइप के लोन देख पा रहे हो, पर्सनल लोन फॉर सैलरी, फ्लेक्सी लोन एंड बिजनेस लोन। तो हमें पर्सनल लोन लेना है तो हम पर्सनल लोन भी जा सकते हो, अगर आपको फ्लेक्सी लोन लेना है तो इसके ऊपर भी जा सकते हो। तो यहाँ पे किसी भी चीज के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ मतलब इन तीनों सेगमेंट में से, तो प्रोफाइल के सेगमेंट पे आप आ जाओगे सबसे पहले, जहां पे आप देखोगे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स देना है, जनरल इन्फॉर्मेशन देना है और वेरीफाई करनी है अपनी इनकम को। तो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा, जिसमें आप तीन तरीके से केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को वैलिडेट कर पाओगे। सबसे पहले है अपना एड्रेस प्रूफ यानी आधार कार्ड के थ्रू देना पड़ेगा, दूसरा पैन कार्ड की फोटो अपलोड करनी है, तीसरा सेल्फी देनी है। आइए तीनों चीज कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले आधार ई केवाईसी कंप्लीट के लिए आधार ई केवाईसी पे जाना है। इसके लिए इंश्योर रखें इस बात का कि आपका आधार कार्ड नंबर मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए ताकि ओटीपी वेरिफिकेशन किया जा सके। इसके बाद बॉक्स पे क्लिक करके कंटिन्यू पे आपको जाना है और 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर आपको डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। तो जो आधार कार्ड जिस मोबाइल नंबर से लिंक होगा उसको ओटीपी वेरिफिकेशन होगा, और वो चीज कंप्लीट करने के बाद जो अगला स्टेप है वो है आपको अपना पैन कार्ड का फ्रंट पेज यानी फ्रंट जो साइड है उसकी आपको इमेजेस अपलोड करनी पड़ेंगी। वो चीज करने के साथ आपको अपनी सेल्फी यहाँ पे देनी है, ठीक है। तो ठीक सेल्फी भी आके सेल्फी भी कंप्लीट कर लेंगे। तो देखा आपने बेसिक स्टेप से लेकर अब तक हमने सीधा केवाईसी के तीनों स्टेप कंप्लीट कर लिए, जिसमें सबसे पहले था आपका कि आपको अपना आधार केवाईसी वेरिफिकेशन करना, एड्रेस प्रूफ के लिए पैन कार्ड भी अपलोड कर दिया, और फाइनली अब हमारी सेल्फी भी कंप्लीट हो चुकी है। सबमिट पे जाएंगे तो जनरल इन्फॉर्मेशन का सेगमेंट है जो आप जानते हो, ये तो जनरल इन्फॉर्मेशन के सेगमेंट पे आपको कुछ एडिशनल जानकारी ही देनी पड़ती है, जैसे हमारे मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्रोफेशन वाइज कम्युनिकेशन एड्रेस, और जिस जगह आप लोग रहते हो वो खुद के घर पे रहते हो, रेंट पे रहते हो, वो बताना पड़ता है। ये चीज आप डाल दोगे तो नेक्स्ट स्टेप होता है इनकम वेरिफिकेशन। अब मैंने आपको ये बात बताई है कि जब आपने पैन कार्ड की डिटेल्स दी है तो हो सकता है कि उसके बाद ही आपसे इनकम टाइप क्या, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या सैलरीड हो, अगर सैलरीड हो कितनी मंथली इनकम है, और शायद आपको उसके लिए बैंक स्टेटमेंट वगैरह देना पड़ सकता है। तो शायद ये काम पहले भी करवा जा सकता है, वरना हो सकता है कि इनकम प्रूफ जैसी चीजें जो है बाद में भी ली जा सके। तो वो चीज कंप्लीटली करने के बाद आपको अपना रेफरेंस नंबर देना पड़ता है, जैसे आपने देखा था केवाईसी के बाद रेफरेंस देना पड़ता है। तो यहाँ पे
फोन नंबर देना है अपने किसी रिलेटिव्स का और दूसरे में किसी फ्रेंड का दे सकते हो, ताकि आपसे कांटेक्ट किए जाने पर जब आपसे किसी कारणवश कांटेक्ट ना हो पाए तो इन नंबर से आपसे कांटेक्ट इस तरीके से करवा दिया जाए। इसके बाद आपको आपका जो है जो लोन ऑफर्स मिलेंगे उसमें से कोई भी एक लोन चूज करना है जो आपको लगे कि बढ़िया लोन अमाउंट दे रहा है और बढ़िया समय के लिए। तो यहाँ पे मिनिमम से मैक्सिमम रीजनेबल लोन अमाउंट चूज करना है और यहाँ पे अवेलेबल टाइम और यानी कि आपको समय भी मिल जाएगा कितने टाइम के लिए लोन लोगे। इसके बाद व्यू समरी एंड चार्जेस पे जाकर आपको दिख जाएगा जो लोन मिल रहा है उसमें कितने का ब्याज लगेगा, एनुअल इंटरेस्ट कितना लग रहा है, एपीआर कितना लग रहा है, सारी प्रोसेसिंग फीस चार्जेस जो भी है और पैसा कट के बैंक में कितना आएगा और कितने महीने के लिए आपको ये जो है लोन दिया जाएगा। इसके बाद आपको व्यू रिपेमेंट शेड्यूल पे जाकर जो है रिपेमेंट शेड्यूल को कंप्लीट करना होगा। इसके बाद आपको जो है अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स देने से पहले आपको लोन लेने का कोई भी एक एग्जैक्ट रीजन बता सकते हो, हालांकि ये वैलिडिटी उतनी नहीं करती लेकिन एक अच्छा रीजन जो आपका जेन्युइन रीजन है वो दोगे तो काफी बढ़िया रहेगा। इसके बाद बैंक अकाउंट ऐड करना है, जैसे पहला आईएफएससी कोड डालना है और दोबारा अकाउंट नंबर डाल के आपको आगे बढ़ना है। इसके बाद आपको फाइनली अपना लोन एग्रीमेंट को साइन कर लेना है, ठीक है, और बस ये चीज प्रोसेस में लग जाएगी। इस चीज में मैं दो बातें क्लियर करना चाहूंगा। सबसे पहले एक तो ये लोन एग्रीमेंट के बाद जो ऐसे होगी प्रोसेस है, तो देखो जो लोन आपको चुकाना होगा उसका ईएमआई चुकाना होगा वो ऑटो डेबिट सेटअप से कंप्लीट होगा। ऑटो डेबिट का सेटअप मुझे जहां तक लगता है कि जब बैंक अकाउंट डिटेल्स देंगे तभी कर सकते हैं, या व्यू रीपेमेंट शेड्यूल पे है जो है वहां पे हमें अपना जो है बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ेगा फॉर ऑटो डेबिट सेटअप। जैसे हमारे बैंक का जो हम ये जो लोन ले रहे हैं वो हमारे जो ईएमआई हर महीने का वो बैंक से ऑटोमेटिक कट जाए, पहली चीज। दूसरी बात, जैसे भी मेथड से ऑटो डेबिट का पेज है वो आपको कंप्लीट कर लेना है। और इनकम प्रूफ के लिए मैंने बताया था कि शायद पैन कार्ड के बाद ही, या फिर अगर आप जनरल केवाईसी के कंप्लीट करके इंफॉर्मेशन मतलब केवाईसी कंप्लीट करके जो इंफॉर्मेशन देके जो इनकम प्रूफ पे आप जाते हो तो वहां पे आपको अपना बैंक स्टेटमेंट देना पड़ सकता है जो अपलोड या नेट बैंकिंग के थ्रू कैसे भी करके देना होगा। ये दो चीजें नहीं दिखा पाया तो मैंने सोचा ये चीज करना बहुत जरूरी है। बाकी इस एप्लीकेशन से लोन ले तो लिया आपने, अब ये समझते हैं कि कैसे इस एप्लीकेशन को आप लोग अपने फोन में पाओगे। उसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर कर देना, कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि किस जगह से वीडियो वॉच कर रहे हो, और कोई डाउट है तो बता सकते हो कि आपको प्रोसेस में कुछ क्या नहीं समझ में आया। बाकी ये वीडियो का टाइटल है, जिस टाइटल पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जिसके अंदर आपको मिलेगी सिंपली तरीके से वेबसाइट लिंक। सबसे पहले इस वेबसाइट लिंक पे आपको क्लिक करना, क्लिक करते आप पहुंचोगे loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे आपको मिलेगी तमाम तरीके की यहाँ पे कैटेगरीज, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है, दुनिया भर की जितनी भी लोन एप्लीकेशन से आपको लोन लेना हो यहाँ पे आप ले सकते हो। इवन आप लोन एप्लीकेशन से नहीं, फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म या कोई भी जगह से जो लोन मिल सकता है वहां से आप लोन ले सकते हो। सिंपली सर्च पे आना है और जिस लोन ऐप से लोन लेना है उस लोन ऐप का नाम आज बता देता हूँ, मतलब अभी जो हमने लोन लिया है वो है क्रेडिट बी से। हम इसको डाल के सर्च करेंगे, हमारे सामने रिजल्ट आएगा भी क्रेडिट भी एप्लीस से लोन कैसे लें, कंटेंट पे क्लिक किया और आपके सामने आपका प्रॉपर आर्टिकल आ जाएगा। जहां पे इस आर्टिकल पे आना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखो अभी तक वीडियो के सारे प्रोसेस में सभी स्टेप्स में आपने ये समझा कि लोन को अप्लाई कैसे किया जाएगा, लेकिन एक बार भी दिमाग में ये ख्याल नहीं आएगा कि कितने रुपए का लोन मिल रहा है, किस ब्याज पे मिल रहा है, क्या ये लोन एप्लीकेशन से लोन लेना सेफ है या नहीं है। ये तमाम जानकारी जो मैं नहीं दे पाया वो बाकी काम ये कॉन्टेंट करेगा, जिसको आप हिंदी में भी ट्रांसलेट करके या कोई भी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो। इवन अगर एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल करने की बात रही तो ये विजिट का लिंक है जो प्ले स्टोर की ही लिंक है, डायरेक्टली इस पर क्लिक करते हैं प्ले स्टोर पे ऑटोमेटिक जाके क्रेडिट भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद लोन को कैसे लेना है हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं। उम्मीद करेंगे वीडियो के काफी हद तक चीजों को समझ में आया होगा आप लोगों को, लेकिन अगेन कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।